भक्त और भगवान की। आप लोगों ने देखा कलश रथ, अब इसके बाद देखें पावन लीला का दर्शन। एक आत्मदेव ब्राह्मण ऐसा सुंदर सुगर चलो ब्राह्मण ऐसा एक सुंदर सुगर सलोना था, पर घर मेरा संतान कोई न गाय के बछड़ा होता था। जो सुंदर भगवान का भजन किया करते थे, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ एक गाय थी जिनके बछड़ा नहीं हुआ, एक पत्नी थी धुंधली नाम की जिनके कोई संतान नहीं थी, घर में बहुत शासन धुंधली का चलता था, उसके शासन के डर से आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही डरता रहता था। आइए लीला का दर्शन करें। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण का पदार्पण होता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले नारायण भगवान की। नहीं आनंद आया इतनी संख्या में विराजमान है और आपके मुख से भगवान का जयकारा तक नहीं निकल रहा है। जोर से बोले, बोले नारायण भगवान की जय हो। ज्यादा नहीं कहेंगे। हे प्रभु, आपने मुझे इस संसार में भेजा, मनुष्य रूप तन दिया है। हमारे बड़े भाग्य होते हैं जो परमात्मा मुझे मनुष्य का शरीर देता है। कहते कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सोरे दुर्लभ सन ग्रंथ लगावा। बड़े भाग्य होते हैं जो परमात्मा हम सबको मनुष्य का शरीर देता है, लेकिन हम इस संसार में आकर के माया मोह में फंस जाते हैं। कोई भगवान को याद नहीं करता है, मुख देता है सिर्फ खाने के लिए, हाथ देता है कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं। मैंने भगवान की जयकार लगाई, आप सबको इतना कष्ट हो गया कि मुख से भगवान का जयकारा तक नहीं निकल रहा। अधिक ना कहते हुए, हे प्रभु, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण के जितने भी कार्य है, भक्तों को सुंदर कथा सुनाता हूँ, सायकाल हो जाता है अपने घर के लिए वापस आता हूँ। परमात्मा आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और ये 500 मुद्राएं श्याम नरेश सिंह संडिलवा, 101 मुद्राएं नीतू सिंह चौहान जगन्नाथपुर, 100 मुद्राएं तीरथ राम वर्मा समरसेपुर, समरसेपुर के निवासी भगवान सदा मनोकामना पूर्ण करते थे, शुभकामना सेवा। सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं। मनुष्य के जीवन में समस्त सुख अनिवार्य है, वैसे सुख 7 प्रकार के बतलाए हैं और 4 सुख अनिवार्य हैं। कौन कौन से? पहला सुख सुंदर हो काया। मनुष्य में सुंदर काया किसे कहते हैं? सुंदरता उसे नहीं कहते हैं कि जो रूप से सुंदर हो, सुंदरता उसे कहते हैं जिसके शरीर में रोग ना हो, निरोग हो, उसे सुंदरता कहते हैं। और दूसरा सुख घर में हो माया। माया का अर्थ सब लोग जानते हैं, माया का अर्थ धन।
मनुष्य के जीवन में इतना धन होना चाहिए कि दूसरों के समक्ष कभी हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी जरूरतों को स्वयं वह निर्वाह कर सके, द्वार पाए अतिथि उसका मान सम्मान करवा कर सके, जलपान ग्रहण करवा सके, इतना धन होना चाहिए। और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, मनुष्य के जीवन में एक स्त्री का सुख होना चाहिए, उसके उसके जो विचार है वो अच्छे होने चाहिए, सास ससुर की सेवा करें, अपने घर को सही चलाए, पति की सेवा करें। और चौथा सुख सुप्त आज्ञाकारी, मनुष्य के जीवन में जो ये सुप्त आज्ञाकारी अनमोल सुख है, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता को मुखा अग्नि देकर के उसे मोक्ष दिलाता है। और एक स्मृति राम सागर टिडवा निवासी, इन्होंने सादर दान किया है, भगवान सदा मनोकामना पूर्ण करते रहे। हे परमात्मा, मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं, ना ही मेरे पास पत्नी का सुख है, ना ही पुत्र का सुख। पत्नी तो है सिर्फ नाम की, वह मेरी इज्जत करना नहीं जानती है, जब भी मैं बाहर से घर जाता हूँ तो हमारे सर पे सवार हो जाती है, हमारे सर पे ही सारा घर लेकर के अपने शीश पर रख लेती है, मुझे बहुत मारती है। क्या पति की इज्जत संसार में इसी प्रकार होती है, मैं किसके सहारे, मैं किसके सहारे जीऊं, जी तो करता है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर लूं, लेकिन एक बात ये भी सोचता हूँ, आत्महत्या महापाप है, मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता, और यह पुत्र होता तो मैं उसके सहारे ही जी लेता, अपना शेष जीवन पुत्र के सहारे ही बिता देता। हे प्रभु, इस बात का मुझे दुख है, चलना चाहिए, सायंकाल हो रही है, बड़ी तेजी से भूख लग रही है, देखते हैं कि इस समय ब्राह्मणी ने क्या बनाया है। और डरते डरते चल दिया आत्मदेव महाराज, डरते डरते चल दिया आत्मदेव महाराज, और उधर धुंधली बैठी है और महिला जा करके आवाज लगाई, आ गया प्रथम द्वार पे, और द्वार के पट बनने हैं, आवाज लगानी चाहिए, अरे भाग्यवान कौन है पहलवान, तुम्हारे पति देव आ रही हूँ, हो नई जुलनी के छैया बलम में दुख हरिया बिताई ला रही, कहिए पहलवान जी, बड़ी तेजी से भूख लग रही है, पहले ये कुछ बनाया हो तो मुझे खिलाओ ना, पहले ये बताओ सुबह से काम मर रहे थे, अरे भाग्यवान इतना समय हो गया, मैं रास्ता देख रही थी कि हमारे पंडित जी आएंगे कुछ लेकर आएंगे, अब ये मनहूस सूरत लेकर आए हो, सुबह से काम मर रहे थे भाग्यवान, कहिए।